अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को 19 साल हो गए हैं। ये बॉलीवुड की पावर कपल तो कहलाते ही हैं, साथ ही दोनों की केमिस्ट्री भी कमाल की है। गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर वाली ट्विंकल खन्ना अक्सर अक्षय की बोलती भी बंद करती नजर आती हैं। अक्षय के घर में सिर्फ और सिर्फ ट्विंकल खन्ना का राज चलता है। जोड़ी हो तो ऐसी, दोनों को देखकर लोगों के मुंह से हर बार सिर्फ और सिर्फ यही डायलॉग निकलता है। खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार शादी के बाद भले ही खुद को जोरू का गुलाम कहने लगे हों, लेकिन एक वक्त था जब इंडस्ट्री में आए दिन अक्षय की आशिकी के किस्से सुनने को मिलते थे। अक्षय के नाम उनके साथ काम करने वाली कई को एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़े, लेकिन रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक रही। रवीना का दिल अक्षय ने शिल्पा की खातिर तो शिल्पा का दिल अक्षय ने ट्विंकल के लिए तोड़ दिया था। कहते हैं कि अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखते थे। शिल्पा ने उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। जबकि ट्विंकल ने वो शर्त मान ली तो शिल्पा को धोखा देकर अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से रातों रात ही शादी कर ली। अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को दिल दिया था और उनसे शादी करने के भी उन्होंने सपने देख लिए थे, लेकिन अक्षय ने रवीना को शिल्पा शेट्टी की खातिर धोखा दे दिया था। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के दौरान अक्षय और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात हुई थी। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। फिल्म जानवर की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी थी। अक्षय शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में आने वाले पहले शख्स थे। दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि लोगों की नजरों में आने से छुप नहीं पाया। दोनों की लव स्टोरी के किस्से गॉसिप्स के गलियारों में चर्चा में छाए रहते थे। दोनों ने लंबे वक्त तक डेटिंग की थी। रवीना की ही तरह शिल्पा शेट्टी भी अक्षय से शादी के सपने देखने लगी थी। दोनों की सगाई की चर्चा भी जोरों पर थी, लेकिन इसी दौरान अक्षय और शिल्पा के लव एंगल में ट्विंकल खन्ना नाम का तीसरा एंगल भी जुड़ गया। कहते हैं कि अक्षय शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना दोनों को एक ही वक्त पर डेट कर रहे थे। शिल्पा शेट्टी की पीठ पीछे अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से अपनी नजदीकियां बढ़ाई। जब इस बात के बारे में शिल्पा को पता चला तब उन्होंने जबरदस्त हंगामा भी किया था, लेकिन अक्षय ने फिर शिल्पा शेट्टी से ब्रेकअप कर लिया और जल्दबाजी में ट्विंकल खन्ना से रातों रात ही शादी भी कर ली थी। वह शिल्पा शेट्टी को प्यार में ऐसा धोखा मिला था कि वो लंबे वक्त तक संभल ही नहीं पाई थी। इस धोखे के बाद अक्षय के खिलाफ शिल्पा ने कई बयान दिए और जमकर बवाल भी काटा। लंबे वक्त तक शिल्पा को अक्षय की सूरत देखना भी मंजूर नहीं हुआ। कहा यह भी जाता है कि अक्षय ने शादी के लिए शिल्पा शेट्टी के सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद शिल्पा शेट्टी को अपना बॉलीवुड करियर खत्म करना होगा और घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। शिल्पा को अक्षय की यह शर्त मंजूर नहीं थी, जबकि ट्विंकल ने अक्षय की इस शर्त पर हामी भर दी थी। ट्विंकल ने अक्षय के प्यार और अपनी शादी के लिए बॉलीवुड करियर छोड़ने का फैसला कर लिया, तो अक्षय ने भी उनसे शादी करके अपना वादा निभा दिया। वेल दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना अब इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रही हैं। वेल वो आए दिन अवार्ड फंक्शंस और इवेंट में जरूर नजर आती हैं, लेकिन एक्ट्रेस अब कोई भी फिल्म नहीं करती हैं। तो वहीं शिल्पा शेट्टी एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्विंकल खन्ना ने उस वक्त अक्षय कुमार की शर्त को मानकर सही किया या नहीं, और आपको अक्षय कुमार की जोड़ी किसके साथ सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।